नोएडा में सेक्टर 18 के बाद दूसरा सबसे फेमस लैंडमार्क बनने वाला मॉल TGIP यानी द ग्रेट इंडिया प्लेस अब बिकने के लिए तैयार है। कुछ वर्ष पहले तक इस मॉल के पास देश के सबसे बड़े मॉल का तमगा था, लेकिन अब ये मॉल अपनी पुरानी रौनक खोता जा रहा है। इसकी वजह है कि अब इस मॉल में आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आ गई है। लोगों के न आने से यहां पर मौजूद कई बड़े ब्रांड्स ने भी इस मॉल को अलविदा कह दिया है। कोरोना के बाद ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी का कल्चर बढ़ने से भी लोगों के लिए इस मॉल का आकर्षण घटता जा रहा है। 2007 में शुरू हुए ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में शॉपिंग से लेकर रेस्तरां और फूड कोर्ट्स के साथ ही मल्टीप्लेक्स और वर्ल्ड्स ऑफ वंडर अम्यूजमेंट पार्क के अलावा बच्चों के आकर्षण की विशेष जगह किड्ज़ानिया भी मौजूद है। TGIP मॉल को अप्पू घर ग्रुप और द यूनिटेक ग्रुप ने मिलकर बनाया था। ये नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर 38A में स्थित है, लेकिन काफी समय से आर्थिक संकट में घिरे यूनिटेक ग्रुप की क्षमता अब इस मॉल को चलाने की नहीं है। मॉल पर करीब 800 करोड़ का बैंक कर्ज है। जैसे तैसे मॉल को अभी तक चलाया जा रहा था, लेकिन कोरोना के प्रहार के सामने मॉल को अब बेचने की नौबत आ गई है। मॉल को करीब 2000 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बनाई गई है। 147 एकड़ में बने TGIP का करीब 17 लाख वर्ग फीट एरिया डेवलप है। इसके अलावा बाकी एरिया खाली है, यानी नए खरीदार इसका इस्तेमाल मॉल में विस्तार योजनाओं के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग को बनाया जा सकेगा। 2016 तक TGIP में लोगों की खूब भीड़ आती थी। नोएडा के कनॉट प्लेस कहे जाने वाले सेक्टर 18 से सटे हुए इस मॉल में लोगों का आना जाना लगा रहता था। 2015 में नोएडा की पहली राहगीरी भी हर रविवार को इस मॉल के सामने हुआ करती थी, लेकिन 2016 में DLF मॉल बनने के बाद से ही GIP की लोकप्रियता घटने लगी। हालत ये हुई, TGIP की तरफ आने वाला सारा ट्रैफिक इसकी विपरीत दिशा में बने DLF के मॉल ऑफ इंडिया की तरफ मुड़ गया। पहले तो कई ब्रांड्स दोनों मॉल में बने रहे, लेकिन TGIP में फुटफॉल घटने के बाद धीरे धीरे ज्यादातर ब्रांड्स ने यहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। इसके बाद तो अब TGIP में गिने चुने ब्रांड्स ही बचे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।